हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेनेली लियोनचिनो 250 के बारे में। ये जो बाइक है ये एक स्मॉलर सिबलिंग है हाल ही में लॉन्च हुई बेनेली लियोनचिनो 500 की, और ये सेकंड मोस्ट अफोर्डेबल बाइक है आफ्टर बेनेली इम्पेरियाले 400। सबसे पहले इसके इंजन की बात करें तो इसका इंजन एक 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर वेल्व फ्यूल इंजेक्टेड BS4 इंजन है जो कुछ 25.8 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है एट 9250 RPM और 21.2 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है एट 8000 RPM। इस बाइक में आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलेगा। अब टायर्स और ब्रेक्स की बात करें तो इस बाइक में आपको 17 इंच का अलॉय व्हील मिलेगा, और जो टायर्स हैं वो आपको ट्यूबलेस टायर मिलेंगे, और जो इसमें अलॉय व्हील है वो ब्लैक कलर का है। फ्रंट का जो टायर है वो 110/70 सेक्शन का है, और इसका जो फ्रंट का डिस्क है वो 280mm का है। वहीं पीछे का जो टायर है वो 150/60 सेक्शन का है, और जो पीछे का डिस्क ब्रेक है वो 240mm का है। दोनों ही साइड में आपको डुअल चैनल ABS मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो इसमें आपको फ्रंट में 41 इंच का USD फोक्स मिलता है जो कि हाई स्पीड के टाइम पर आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और पीछे की तरफ आपको प्री लोडेड एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाता है। अब इसकी लाइट्स की बात करें तो इसमें पूरा LED के लाइट्स मिल जाएगा, LED हेडलैम्प मिलेगा विद LED DRLs, और वहीं पे आपको LED के पूरे इंडिकेटर्स मिलेंगे आगे और पीछे की तरफ। इसका जो टेल लाइट है वो भी LED का ही है। इंस्ट्रूमेंट पैनल की बात करें तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है वो LCD TFT स्क्रीन का पैनल है, और जिसमें आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, RPM इंडिकेटर, टेम्परेचर गेज, फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर जैसी चीज़ें मिल जाती हैं। और इसके साइड के फीचर्स की हम बात करें तो उसमें आपको लो फ्यूल वार्निंग, ABS के सिंबल जैसी चीज़ें मिल जाती हैं। और इसका जो हैंडल बार है वो एक सिंगल हैंडल बार है जो कि आपको बेटर राइड स्टेबिलिटी एंड बेटर हैंडलिंग प्रोवाइड करता है। कलर्स की बात करें तो कि जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में आपको दो कलर्स दिख रहे होंगे, तो इस बाइक में आपको दो कलर्स मिल जाते हैं, एक है वाइट येल्लो और एक है ग्रे येल्लो। इस बाइक के वेट की बात करें तो इस बाइक का वेट है 162 kg जो कि काफ़ी सही है, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 12.5 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल जाता है इसमें। सीट हाइट की बात करें तो इसमें आपको 810mm का सीट हाइट मिलता है, और ग्राउंड क्लियरेंस जो कि काफ़ी बेहतर है इस बाइक का, 170mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और जो बाइक जो फ्रेम यूज़ करती है वो एक ट्रेलिस फ्रेम यूज़ करती है जो कि बेनेली की मोस्टली सारी बाइक्स में यूज़ होता है। अब प्राइस की बात करें तो इस बाइक की प्राइस है 2.50 lakh ex-showroom पुणे, और ये जो बाइक है इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो अराउंड जाएगी आपको 2.91 से 92 lakh ऑन रोड पुणे। तो मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको रेगुलर बाइक अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू गाइस।